मीडियम शिश पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बंगाली छेना का सफ़ेद रसगुल्ला। ये एकदम हलवाई स्टाइल परफेक्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला की रेसिपी है। साथ ही आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो कि रसगुल्ला बनाते समय बहुत ही काम आते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो ईटीएम शिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर कच्चा दूध गर्म होने के लिए रखा है। ये पहले गर्म किया गया दूध नहीं है यानी कि इसकी मलाई, इसका फैट इसी में मौजूद है। और यहाँ आपको ये बता दूँ कि मैंने रेगुलर घरों में जो दूध आता है पैकेट या थैली में, वही दूध का यूज़ किया है। तो इसका हम एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए दूध में अब उबाल आ चुका है। तो यहाँ सबसे पहले हम फ्लेम बंद कर देंगे, बिल्कुल भी हमें दूध को नहीं पकाना है। और दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरिक का यूज़ किया है, जिसे नींबू का शरबत भी कहा जाता है। इसमें हम 4 टेबलस्पून पानी मिलाएंगे और इसे घोल लेंगे पानी में। ये देखिए इस तरह से मैंने पानी में घोल लिया है। और ये पानी अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस गर्म दूध में डालते जाएंगे और चम्मच से इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर यही सबसे पहला टिप है कि हमें दूध को फाड़ने के लिए सिट्रिक एसिड का ही यूज़ करना है, क्योंकि हलवाई भी सिट्रिक एसिड का ही यूज़ करते हैं। इससे छेना में एक अलग सा टेस्ट नहीं आता है और छेना बहुत ही सॉफ्ट बनता है, जो कि रसगुल्ले अच्छे बनाने में मदद करता है। तो ये देखिए दूध अच्छे से फट चुका है, छेना और पानी अलग हो चुके हैं। तो अब हम इसे सावधानी से एक पतले कपड़े में डाल करके छान लेंगे और छेना और पानी को अलग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने छेना और पानी को कपड़े की मदद से अलग कर लिया है। अब हम इस पर ठंडा पानी डालेंगे, जिससे कि इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और छेना सॉफ्ट ही रहेगा, ओवरकुक नहीं होगा। तो इसे फाड़ने के लिए जो सिट्रिक एसिड है वो आपको मार्केट में इजीली किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा। अब रसगुल्ले बनाने के लिए दूसरा टिप ये है कि छेना में ना तो ज़्यादा पानी होना चाहिए ना ही कम पानी होना चाहिए। दोनों ही सूरतों में हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल सही नहीं बनते हैं। तो इसके लिए हमें हल्के हाथों से छेना को निचोड़ना होगा, बिल्कुल इस तरह से। और अब आप चाहो तो, आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए किसी जगह पर टांग सकते हो, या फिर आप मेरी तरह डायरेक्ट इसे काम में ले सकते हो। तो इस छेना को हम सबसे पहले थाली में डालकर चेक करेंगे कि रसगुल्ला बनाने के लिए ये छेना परफेक्ट है या नहीं है। तो पहले इस तरह से हम अपने हाथों से इसे तोड़ देंगे और अब हम सूखे हाथ से इस छेना को दबाएंगे, प्रेस करेंगे इस तरह से। और अगर आपको अपने हाथ पर पानी की बूंदें नज़र आए यानी कि इसमें मॉइस्चर नज़र आए, तो अभी ये छेना को हमें ड्राई करना होगा। इसके लिए आप कोई भी सूखा कपड़ा या इस तरह से किचन टिश्यू को इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करिए हल्के हाथों से। ऐसा करने से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी टिप है कि छेना को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ोरों से नहीं निचोड़ना है, निचोड़ निचोड़ कर उसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो ये देखिए इस टिश्यू ने जितना भी एक्सेस वाटर था छेना में वो अब्सॉर्ब कर लिया है। तो ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और अब ये छेना बिल्कुल तैयार है रसगुल्ले बनाने के लिए। तो अब हम इसे एक छोटे मिक्सर जार में डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये एक इंस्टेंट तरीका है जिससे कि छेना को स्मूथ बनाने का जो काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और अब हम इसे बीच बीच में रोकते हुए मिक्सी को पल्स करते हुए इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब छेना को मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे हम दोबारा किसी भी बड़ी थाली या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हमें इसे बिल्कुल भी अपने हाथों से ज़्यादा मैश करने की तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमें इसे डो की तरह अच्छे से कंबाइन करना होगा। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अपने हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे कि छेना और भी अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम डो की तरह हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से इसे मैश कर लेंगे हम। अब अगला टिप है रसगुल्लों को टूटने से बचाने के लिए। इसके लिए इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर। 1/2 टीस्पून मैंने पहले डाला था और 1/2 टीस्पून अब डाल रही हूँ। तो इसे अब हम दोबारा अपने हाथों से छेना के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये बात तो आप भी अच्छे से जानते होंगे कि जितना अच्छे से छेना को मैश किया जाएगा उतने ही अच्छे रसगुल्ले बनेंगे। तो हम भी हलवाइयों के जैसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ डो हमारा छेना का तैयार हुआ है। और हाथों पर इस तरह से चिकनाहट आना इस बात का इंडिकेशन होता है कि हमने अच्छे से छेना को मैश किया है। अब रसगुल्ले के लिए इसके हम छोटी साइज की बॉल्स बना लेंगे। अच्छे से इस तरह से अपने हाथों में दबाते हुए और दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से रगड़ते हुए इसकी हम बॉल बना लेंगे।
याद रखिएगा कि रसगुल्ले की इन बॉल्स पर किसी भी तरह के कोई भी क्रेक या दरार नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ सरफेस की बॉल तैयार करनी है हमें। तो इसी तरह से हम सभी छेना की गोलियां इस तरह से बनाकर रख लेंगे। अब रसगुल्ले की चाशनी के लिए एक पतीले में मैंने 3 कप चीनी और 7 कप पानी डाला है। दोनों का ही मेजरमेंट आप किसी भी एक ही कप या कटोरी से कर सकते हो। जैसे ही चीनी पानी में घुलना शुरू हो जाएगी, इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम सिट्रिक एसिड यानी कि टार्ट्रिक। हलवाई भी ऐसा करते हैं जिससे कि रसगुल्ले सफ़ेद बनते हैं, और रसगुल्लों को सफ़ेद वाइट बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी टिप है। इससे चाशनी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और चाशनी में बुलबुले उठने जैसा एक अच्छा सा उबाल आने देंगे हम। ये देखिए, इस तरह का उबाल आने पर हम इसमें एक एक करके हल्के हाथों से रसगुल्ले डालते जाएंगे, और पहले 5 मिनट तक इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ढक्कन से ढक के। उसके बाद हम हर 1 मिनट के बाद इसे हल्के हाथों से चम्मच के पिछले हिस्से से चलाएंगे। जोर से चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, इस तरह से हल्के से हमें इसे बाउंस करना है जिससे कि ये सभी तरफ से अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, अब हम इसे दोबारा चम्मच से चलाएंगे, और अब आप देख पा रहे होंगे कि रसगुल्ले काफ़ी बड़े हो गए हैं साइज में, मतलब कि रसगुल्ले एकदम अच्छे से पक रहे हैं। ये देखिए, पूरे 5 मिनट तक मैंने रसगुल्लों को अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाया है, और रसगुल्ले बहुत ही अच्छे से साइज में डबल हो चुके हैं। तो अब मैंने गैस फ्लेम को मीडियम पर कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे आगे 5 मिनट और पकाएंगे। दोबारा हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। तो ये देखिए, फाइनली हमारे रसगुल्ले तैयार हैं। पूरे 10 मिनट इसे लगे हैं पकने में। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, और रसगुल्लों को आप इसी तरह से रहने दे सकते हो, या इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डाल देंगे कुछ बूंदे रोज़ एसेंस की। इसकी जगह पर आप चाहो तो कुछ इलायची के दाने डाल सकते हो, या आप रोज़ वाटर इसमें डाल सकते हो, और अच्छे से हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम रसगुल्लों को पहले रूम टेम्परेचर पर होने देंगे, उसके बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख कर ठंडा करेंगे, क्योंकि रसगुल्ले ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये लीजिए, हमारे ठंडे ठंडे स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बंगाली रसगुल्ले बनकर तैयार है खाने के लिए, जो कि बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे बने हैं। एकदम रसीला स्पंजी है और जालीदार बने हैं ये। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करिए, बताई गई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। इस तरह से आप भी घर पर बहुत ही अच्छे से रसगुल्ले बना सकते हो। तो आप भी रसगुल्लों को बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। और अगर आपको ये रसीले और स्पंजी बंगाली सफ़ेद रसगुल्ले की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें इसे दूसरों के साथ। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ EDM चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस बंगाली सफ़ेद रसगुल्ला, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग EDM।